ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कहाँ तक हम लोग देखे थे बोलो? हेलो सर सर, मेरा टेन एक, ए प्लस हाँ हाँ बोलो, एनीवन साइन। सर मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला दे। अच्छा ठीक है, साइन साइन 2a बोले थे कि डिराइव करके आना है, राइट? साइन 2a, 2 sin a इंटू कॉस। अच्छा ये सब तो बता दिए, राइट। साइन 3a का डिराइव किए थे, साइन 3a बताना होगा या हो गया था? 3 sin a माइनस 4 sin किए हुए हुआ था या नहीं? कॉस 3a, 4 cos cube माइनस 3 cos a, राइट। 1 2 थर्ड फॉर्मूला, tan 3a दिस इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan cube a डिवाइडेड बाई 1 minus 3 tan square a। ये याद रखना है, राइट। यहाँ पे एक और फॉर्मूला बताया था, tan a + b + c दिस इज इक्वल टू tan a है ना प्लस, अच्छा इसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताए थे ना tan a + b + c, तो ये ध्यान रखना। tan अगर इस यस तरह से फॉर्म है, tan a1 + a2 + a3 + ... अच्छा चलो, इसमें जो फॉर्मूला होता है ये ऐसे ध्यान रखना, सिग्मा tan a1, ये इसको ध्यान इस तरह से रखो, इसको समझा दूंगा फॉर्मूला को मैंने क्या होता है जो। आवाज जा रही है ना? हेलो यस हेलो, सर। ओके। s1 - s3 + s5 - s7 एंड इस तरह से चला जाता है, डिवाइडेड बाई 1 - s2 + s4 - s6 + s8 - इस तरह से चला जाता है ना? तो वो ज्यादा वाले आएंगे नहीं, 4 3 एंगल्स तक आएंगे। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, s1 जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग ये होगा कि जैसे tan a1 + tan a2 + tan a3 मीन्स इंडिविजुअली सबका सम। s2 लिखा हुआ है तो टेकिंग 2 एट ए टाइम, इसको ऐसे भी लिखेगा, tan a1 * tan a2, इसका मीनिंग। इसका जो लिखेगा s1 को, इसको सिग्मा tan a1 लिखेगा, तो इसका मीनिंग यही होगा, तो टेकिंग 2 एट ए टाइम है ना। इसका मीनिंग हो जाएगा tan a1 * tan a2 + tan a1 * tan a3 + tan a1 * tan a4 + taking 2 at a time, जो भी पॉसिबिलिटी है। अगर NC2, ये बाद में पढ़ोगे, NC2 इतने टाइप्स होते हैं। अगर 4 का पेयर है, मान लो इस तरह से, यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर 1 2 3 और 4 है, taking 2 at a time, तो बस समझा रहा हूँ कि मीनिंग क्या होता है। नहीं भी समझ में आया ये फॉर्मूला का भी कंप्लीटली, अगर नहीं भी समझ में आया आएगा तो हम लोग बाद में देख लेंगे। मीन्स 1 2 को साथ में रखना है,
13 को साथ में रखना है, 14 को साथ में रखना है, फिर क्या हो जाएगा, 23 को साथ में रखेंगे, 24 को साथ में रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 34 को साथ में रखेंगे, यही पॉसिबिलिटी आएगा। भाई बस समझ, एक फॉर्मूला होता है कि एन सी टू, इसका जो मीनिंग होता है ये सिलेक्शन ऑफ टू आउट ऑफ एन, है ना, सिलेक्शन ऑफ टू एट ए टाइम आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। इसमें सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। अब देखो इसका मीनिंग बताता हूँ, डिफरेंट थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स कुछ भी होगा। तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है, एन सी टू लिखें, एन सी टू इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सबको पता है, यस और नो, एन माइनस टू इंटू टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है? नो सर। देखो फैक्टोरियल ऑफ एन, थोड़ा बता देता हूँ, ये सब जरूरत पड़ेगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं एन फैक्टोरियल। ये क्या होगा कि स्टार्ट होगा 1 × 2 × 3, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to अप टू दैट नंबर, ऐसे करके इनटू एन, मींस 4 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल इस तरह से, इसमें क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 4, 5 लिखा हुआ है फैक्टोरियल में, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यस और नो, समझ में आ रहा है? हेलो, तो ये फॉर्मूला yes, होता है, हाँ ना, समझ में आ गया ना फैक्टोरियल का मीनिंग, यस और नो, बोलो यस और नो। हाँ तो फॉर्मूला होता है, जैसे देखो अब 4 फ्रेंड है, हाँ ना, उसमें से 2 का सिलेक्शन करना है, तो कितने डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, जैसे देखो अब ऐसा कुछ है, एक येलो कलर का पेन हो गया, है ना, ये स्काई ब्लू हो गया, ये रेड हो गया, है ना, और ये वाइट हो गया, अगर 2 का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ 2 एट ए टाइम आउट ऑफ 4, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 2 का सिलेक्शन करना है, या 4 पर्सन है, 2 का ग्रुप बनाना है, तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 4c2, इसका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे देखो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ऑलवेज, और ये वाले फिर यहाँ पे आ जाएंगे फैक्टोरियल, तो लिखे थे ना एन सी, अगर आर लिखा हुआ है तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल ऊपर में रह जाएगा, है ना, दोनों का डिफरेंस लेंगे डिवाइड में, एन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू, जो यहाँ पे रहेगा वो भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, समझ में आया? हेलो, तो 4, तो 1 × 2 × 3 × 4 अभी के लिए यही समझो, और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो 1 × 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 × 2 इन टू, यहाँ भी 1 × 2, सो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो दिस इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 6, समझ में आया? हेलो, तो 2 का सिलेक्शन मींस ऐसे करेंगे, येल्लो, ये देखो येल्लो है, ब्लू है, रेड है, और ये क्या है, वाइट है, तो ग्रुप जो बनेगा येल्लो ब्लू का साथ में रखेंगे, फिर देखो येल्लो रेड का साथ में रखेंगे, फिर येल्लो वाइट को साथ में रखेंगे, ये पॉसिबिलिटी हुआ, फिर ब्लू और रेड को साथ में रखेंगे, ब्लू वाइट को साथ में रखेंगे, फिर क्या आ जाएगा, रेड और वाइट को साथ में रखें, देखो पॉसिबल वेज 6 आए, इसके बाद और भी, इसका ऐसा नहीं कि पोजीशन चेंज कर दोगे तो वो तो अरेंजमेंट्स हो जाएगा, सिलेक्शन मींस एक बार सिलेक्ट करना है ग्रुप में, यही 2 रखेंगे, तो इसके अलावा और भी पॉसिबल नहीं है, यस और नो, समझ में आया? हेलो, कुछ कुछ समझ में आया? हेलो, ठीक है, वो जैसे 3 लोग हैं, 3 में से 2 का ग्रुप बनाना है ना, कि एक बार में 2 ही रहना चाहिए, या कहीं आप ट्रिप पे गए हैं, है ना, तो ऐसा है रूल कि एक बार में 2 ही लोग जा सकता है,
तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तीन लोग में से दो का ग्रुप बनाना है, तो पॉसिबल 3C2 होगा, जैसे 1 और ये 2, ऐसे कुछ दिया हुआ है, एक बार में दो ही जा सकता है, तो 1 2 वाले हो जाएंगे साथ में, है ना। और क्या हो सकता है, 1 3 वाले साथ में हो जाएंगे, और क्या हो सकता है, 2 3 वाले साथ में, तो 3 पॉसिबल हो गया, 3 पॉसिबिलिटी बना, दो का ग्रुप बनाना है तो 3 पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, 3C2। 10 पेन है, 10 पेन में से अगर 5 का सिलेक्शन करना है तो 10C5, मीन्स उतने डिफरेंट वे से तुम सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, आई बात समझ। चलो तो ये तो अलग की बात है, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे S2 मीन्स ये हो जाता है, S3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा टैन A1 इंटू टैन A2 इंटू टैन A3, टेकिंग 3 एट ए टाइम, ये क्या है, टेकिंग 3 एट ए टाइम, समझ में आ रहा है ना मीनिंग, कि 3 का प्रोडक्ट वाले, आई बात समझ में। तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे, जैसे ये टैन A1 प्लस A2 प्लस A3, बहुत टफ नहीं है वो, दिख रहा है तुमको, है ना, एक दो बार यूज करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, समझ लोगे। तो वन यहाँ पे क्या था, S1 था माइनस S3, देखो ऑड में चलेगा, S1 है तो माइनस S3, यहाँ प्लस में है तो माइनस, तो फिर प्लस आ जाएगा S5 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 होगा तो माइनस S2 प्लस S4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसी से हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, हालांकि इसको डिफरेंट तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं कि दो को साथ में रखें फिर ओपन करेंगे, बट फिर भी चलो इस फॉर्मूले से क्या लिखोगे, S1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो S1 माइनस क्या है, 3 ही, यहाँ पे क्या है, 3 एंगल्स तक जा रहा है ए बी सी, इट मीन्स S3 यहाँ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2, देखो 4 एट ए टाइम वाले आएंगे नहीं, 4 एंगल्स हैं नहीं, ओनली 3 एंगल्स, यस और नो। अब देखो नहीं समझ में आया, हेलो, यस सर, S1 का मीनिंग सिर्फ समझा रहा हूँ, टैन क्या हो जाएगा ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी, S2 का मीनिंग हो जाएगा टैन ए इंटू टैन बी प्लस टैन बी इंटू टैन सी प्लस टैन सी इंटू टैन ए, राइट। अब S3 का मीनिंग हो जाएगा टेकिंग 3 एट ए टाइम, टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो, नो सर। तो टैन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 मीन्स टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी, जो वहां पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी माइनस टैन बी इंटू टैन सी माइनस टैन सी इंटू टैन ए, समझ में आया, क्योंकि देखो माइनस में है तो ये सारे माइनस में चले जाएंगे, ब्रैकेट में लिखोगे तो प्लस में हो जाएगा, समझ में आया, हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c रखेंगे, है ना, तो टैन क्या आ जाएगा, a प्लस a इज इक्वल टू, या देखो टैन ए टैन ए टैन 3 टैन ए और माइनस टैन ए इंटू टैन ए इंटू टैन टैन ए टैन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखो टैन ए इंटू टैन ए टैन स्क्वायर है, यहाँ भी टैन स्क्वायर है, यहाँ भी टैन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3 टैन स्क्वायर ए, ये हो गया टैन 3 ए, समझ में आया, हेलो, यस सर, ठीक है। हालांकि दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, डिराइव करना है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक किसी को, ठीक है, हालांकि डिराइव करना है तो ऐसे डिराइव कर लेना, टैन ए प्लस बी प्लस सी को, एक बार ये दोनों को साथ में रखना,
है ना, तो ए अ प्लस मीन्स ये अल्फा अ प्लस बीटा के फॉर्म में ओपन करना, फिर बी प्लस सी को फर्दर ओपन करना, तो वहां से फॉर्मूला आ जाएगा। बट ठीक है, वो प्रोसेस पता होना चाहिए, बाकी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो हेलो, ठीक है ओके चलो। तो यहाँ तक अब देखो, तुमको अगर प्रूफ करना है यहाँ पे पॉइंट कहाँ तक बताएं, यहाँ तक किसी को पूछना है, 3, 4 साइन 5a का दिस इज इक्वल टू 16 साइन टू द पावर 5a माइनस 20 साइन क्यूब a प्लस 5। प्रूफ कर पाओगे? इसको याद नहीं रखना है ना, अगर याद रह जाएगा तो ठीक है। देखो 5a है तो डिग्री 5 जा रहा है, 16 cos टू द पावर 5a माइनस 20 cos टू द पावर 3a प्लस 5। एक बार देख लेना इसमें क्या आता है, याद नहीं रखना है, बस चेक कर लेना दोनों सही है कि नहीं। कैसे करोगे? साइन 5a, देखो साइन का है, साइन को ओपन कर रहे हैं तो जो राइट साइड में आया है वो क्या है, जो 3 टर्म्स आ रहे हैं वो साइन में ही है। कॉस 5a है तो राइट साइड में जो टर्म आया है वो कॉस के फॉर्म में ही है। इट मीन्स जो भी साइन साइन के अलावा आएगा कॉस में तो उसको चेंज कर लेना है फिर से साइन में, और सिर्फ डिग्री है, एंगल सारे में क्या है a के टर्म्स में, सिंपलेस्ट में किया गया 5a से a के टर्म्स में लाया गया है, वो डिग्री में दे दिया जाएगा। क्या लिखेंगे बताओ? साइन 3a प्लस 2a, कोई प्रॉब्लम? बोलो साइन 3a इंटू कॉस 2a प्लस, बोलो कॉस 3a, कॉस 3a इंटू साइन 2a, साइन 2a, राइट? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे होता है। अब ध्यान देना, साइन 3a का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। अब देखो कॉस 2a है तो सारे को क्या करना है, साइन में ही चेंज करना है, तो ये तो साइन में आ गया क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हूं सभी क्या है साइन a के टर्म्स में, तो यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस 2a इज इक्वल टू बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, गुड ये यूज करना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस, अब देखो साइन 3a कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, अब देखो कॉस a आ गया तो, और ये 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकते हैं ना, किसी को प्रॉब्लम? बोलो नहीं? तो देखो हम लोग को क्या करना है, इसको भी साइन में होना चाहिए, ये भी साइन में, तो ये तो साइन है ये कॉस है, उसको इसको में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, जहां कॉस स्क्वायर ए आया उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से। ये सुनो, तो अगर 2 डिग्री में आया कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस स्क्वायर ए का टर्म तुमको जनरेट करना, आफ्टर जनरेटिंग उसको क्या करेंगे रिप्लेस कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, देन होल टर्म क्या हो जाएगा साइन ए के टर्म्स में आ जाएंगे, उसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पे, है ना, और उसको सिंप्लीफाई करके बताओ आ रहा है कि नहीं। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ये पार्ट 2 रखो, है ना, अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके उस तरह से भी काम कर सकते हो, साइन ए माइनस 6
प्लस फोर अब देखो हम लोग जो काम वर्कआउट कर रहे हैं सिर्फ इसके लिए करता हूं ठीक है तो देखो इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू 2 साइन a सॉरी ठीक है ये कुछ ऐसे है ना अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a राइट सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो सिर्फ सेकंड पार्ट को कर रहे हैं तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर a राइट 2 साइन a है ना अब देखो इसको थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन बट फिर भी करना पड़ेगा 4 1 प्लस साइन टू द पावर 4 ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है ना माइनस 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए यहाँ 2 साइन ए अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे साइन टू द पावर 4 है साइन स्क्वायर ए है यहाँ भी साइन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा 4 साइन टू द पावर 4 ए माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए है ना और माइनस 2 साइन ए अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना ठीक है किसी का आ गया क्या लिखेंगे 8 साइन टू द पावर 5 ए प्लस 4 हाँ 8 साइन क्यूब ए माइनस 8 ठीक है ये सेकेंड वाले पार्ट हो गया अब फर्स्ट वाले पार्ट में वही ऐड कर लो फर्स्ट का जो पार्ट का आया था वो कितना आ गया था यस और नो यस सर तो 8 यहाँ पे था ध्यान दो ये 6 और प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 3 साइन ए है यहाँ पे राइट एक मिनट 3 साइन ए अच्छा साइन ए के टर्म्स में आएगा देखो तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है यहाँ पे 4 8 16 आएगा ना यस और नो ठीक है तो ये पार्ट 2 हो गया पार्ट 1 का सिंप्लीफाई करोगे तो कितने आ रहे हैं दोनों को ऐड कर दो ठीक है दोनों को ऐड करोगे तो साइन 5a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में साइन टू द पावर 8 साइन टू द पावर 5a माइनस 10 8 साइन टू द पावर 5a माइनस 10 साइन क्यूब a ओके यहाँ पे साइन a के टर्म्स में सॉरी कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है ना ओके 3 साइन a देखते हैं प्लस 8 साइन टू द पावर 5 है प्लस 8 साइन क्यूब है
कुछ तो मिस्टेक हुआ है, एक मिनट देख लेना तो। नहीं ऐसे कुछ नहीं आएगा। किसी ने कंप्लीट किया है ना? कुछ तो मिस्टेक हुआ है थोड़ा लेंदी होने से। ओके साइन थ्री है कॉस टू है, कॉस थ्री है साइन टू है, ठीक है थ्री साइन है वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, ठीक है फोर कॉस क्यूब है थ्री कॉस है टू साइन है इंटू कॉस है। फर्स्ट वाले को थ्री साइन है माइनस है। फर्स्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाले में, सेकंड में प्रॉब्लम हो गया होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है माइनस थ्री साइन स्क्वायर किसी ने कंप्लीट किया? हेलो देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था एक्चुअली, क्योंकि इसी के हेल्प से, हालांकि ये यूज नहीं होगा कभी कभी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेंट टर्म को क्या रखेगा, अननोन रखेगा और पूछ देगा कि जैसे देख क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, ये फोर है जो इसी में मल्टीप्लाई है सिर्फ, ये ध्यान रखना। सो फोर ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन फोर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए माइनस थ्री प्लस थ्री साइन स्क्वायर ए, राइट टू साइन ए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फोर प्लस फोर साइन टू द पावर फोर ए माइनस एट साइन स्क्वायर ए माइनस थ्री प्लस थ्री साइन स्क्वायर ए, राइट यहाँ पे हो जाएगा टू साइन ए। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एट साइन ए प्लस एट साइन टू द पावर फाइव ए माइनस, इससे आ जाएगा ये देखो सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस कितने बचेंगे, फाइव बचेंगे तो टेन साइन क्यूब है ना, और ये जो बेसिकली है वो हो जाएगा थ्री तो वन ना, तो यहाँ पे सिक्स माइनस सिक्स साइन ए, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एट साइन टू द पावर फाइव ए माइनस टेन साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए, राइट ये हो गया। फर्स्ट वाले से जो आया था वो कितना आया था, फर्स्ट वाले से एट माइनस टेन और थ्री, एट माइनस टेन और थ्री ध्यान दो साइन फाइव ए एट कॉस एट साइन टू द पावर फाइव ए माइनस टेन साइन क्यूब आप प्लस थ्री साइन है, अब इसको ऐड कर देना प्लस एट साइन टू द पावर फाइव ए माइनस टेन साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए, राइट अब इसको ऐड करोगे सिक्सटीन साइन टू द पावर फाइव ए माइनस ट्वेंटी साइन क्यूब ए है ना प्लस फाइव साइन ए, राइट ये साइन टू द पावर क्या हो जाएगा फाइव ए का। इस तरह से वर्कआउट किया जाता है, देखो क्या यहाँ पे लिखा हूँ साइन फाइव ए छूट गया, साइन ए छूट गया है वहां पे फाइव में,
तो यहां भी cos a आ जाएगा, यस और नो? ठीक है, हेलो, इसको भी चेक कर लेना, प्रोसेस यही होगा, यस और नो? समझ में आ रहा था या नहीं? हेलो, थोड़ा सा लेंदी है, वो नोटबुक में करोगे क्लियरली हो जाएगा, बट वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे किया जाता है। रुचि का समझ में आया? यस सर। है ना, वो वर्कआउट करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चंस क्या करेगा कि इस वाले ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि साइन फाइव ए रहा है ना, दिस इज इक्वल टू 16 साइन टू द पावर फाइव ए प्लस के साइन क्यूब ए प्लस ये के वन और के टू साइन ए, है ना। अब यहाँ पे पूछेगा कि के वन प्लस के टू इज इक्वल टू व्हाट, बताओ क्या आएगा? इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है ना, एक्सपेंशन का भी पूछेगा नहीं, क्या जाएगा? के वन का वैल्यू क्या आया था? ये माइनस 20 है, के टू क्या है? 5 है, सो माइनस 20 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 15। समझ में आया सर? ऐसा क्वेश्चन के लिए पूरा डिराइव करना पड़ेगा। हाँ, तो याद रखोगे तो सिंपल रहेगा। कभी कभी साइन 5a का, साइन 5a और कॉस 5a का पैटर्न सेम टाइप का होता है, तो वो एक बार ध्यान में रखना, ठीक है? नहीं तो वो तुमको डिराइव करना पड़ेगा, याद नहीं है वो। देखो प्रैक्टिस में रहेगा तो तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इतना टाइम लगेगा, ये तो बताना है तो इतना टाइम तो लगेगा ही, बट वहां पे जब बनाओगे तुरंत आइडिया लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, हेलो, ओके। अब ये ध्यान देना, एक और फॉर्मूला होता है इसके बाद, हम लोग कौन सा नंबर देखे, 4, 5 कॉस वाले भी देख लेना वेरीफाई करके, 4, 5, 6 नंबर में एक साइन ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला यूज किया जाता है, इनटू साइन ए माइनस बी, इसको डिराइव करके बताओ तो क्या आएगा, ये आ रहा है कि नहीं? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, 7 नंबर, कॉस ए प्लस बी इनटू कॉस ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, हो पाएगा डिराइव? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? बहुत सिंपल है, साइन ए प्लस बी, बताओ शुभम, टू से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 लिखेंगे, है ना, टू साइन ए इंटू, ये हो गया ना, टू साइन अल्फा, टू साइन अल्फा इंटू यहाँ पे साइन बीटा, तो फॉर्मूला टू साइन ए इंटू साइन बीटा, फॉर्मूला याद है? बोलो अभिषेक, टू साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? हेलो, हाँ सर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, नहीं गलत है, सोच करके बोलो, हिमांशु बोलो तो क्या होगा? सर टू साइन ए और कॉस बी का, हाँ टू साइन ए इंटू साइन बी का, टू साइन ए इंटू साइन बी का, हाँ सर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यस, क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन, इसको अल्फा की तरह ट्रीट करेंगे, इसको बीटा की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, तो देखो क्या लिखना, 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस
ए माइनस बी है ना, माइनस कॉस क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू वन बाई टू, ध्यान दो कॉस यहाँ पे जब ओपन करोगे तो ए ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा टू बी माइनस, यहाँ पे देखो बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस टू ए। अब क्या करोगे कॉस टू बी को लिख सकते हो वन बाई टू, किसके फॉर्म में जाना है साइन के फॉर्म में जाना है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर बी माइनस, ये सुनो समझ में आ रहा है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए राइट, दिस विल बी इक्वल टू, मेरे ख्याल से फॉर्मूला अगर ध्यान में होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखो वन ये प्लस टू साइन स्क्वायर ए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का खेल है इसमें, फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं याद है तो भूल जाओ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगने जा रहा है अगर फॉर्मूला ही ध्यान में नहीं रखोगे तो, वो एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेंगे, प्रैक्टिस करोगे उसके बारे में सोचोगे, तुमको बैठ करके सोचना पड़ेगा, पूरे दो से तीन बार उसको रिकॉल करते रहो, क्या क्या पढ़े हैं क्या क्या फॉर्मूला है, इस तरह से सोचना स्टार्ट करो तभी याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, टू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना समझ में आया, हेलो यस सर, ठीक है, तो ये डेरिवेशन करके बता दिए सेकंड का कॉस ए प्लस बी में, ध्यान रखना देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे जो आता है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही होता है, बट कॉस में आएगा तो एक कॉस में रहेगा एक साइन में रहेगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लिख दिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ऐसा नहीं इसमें करना कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ये सुनो बोलो यस सर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे बढ़े, ये सुनो यस सर, ओके चलो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, उसके बाद ध्यान दो सिक्स सेवन हो गया ना, एट नंबर में साइन थीटा इंटू साइन सिक्सटी प्लस थीटा इंटू साइन सिक्सटी माइनस थीटा इज इक्वल टू वन बाई क्या हो जाएगा फोर साइन थीटा, देखो तो प्रूफ होगा कॉस थीटा इंटू कॉस सिक्सटी प्लस थीटा इंटू कॉस सिक्सटी माइनस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू अगेन वन बाई फोर कॉस थ्री थीटा, टेन नंबर टैन थीटा इंटू टैन 60 प्लस थीटा, देखो 60 प्लस थीटा इंटू 60 माइनस थीटा इंटू थीटा के टर्म्स में है, है ना तीनों में, यहाँ पे आ जाएगा tan 60 माइनस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू, देखो दोनों का रेशियो लोगे तो tan में चला जाएगा, तो tan थीटा, फर्स्ट वन प्रूफ करके देखो हो जाएगा सर, साइन ए प्लस बी के फॉर्म को एक्सपेंड करना है, साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड नहीं करना है, ये दोनों को साथ में रखना है, अभी बताया ना साइन ए प्लस बी इनटू साइन ए माइनस बी, नहीं समझ में आया उससे देखो ट्राई करके,
नहीं समझ में आया। बोलो हो पाएगा? किसी ने कंप्लीट किया? नहीं सर कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। देखो ये दोनों होमवर्क में रहेगा, ठीक है? ये दोनों होमवर्क में रहेगा, वो कर लेना है, राइट। अब ये बता देता हूँ, एक नंबर बता रहा हूँ, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। अभी जो फॉर्मूला बताए थे उसी का यूज है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, राइट। इसका बताए थे अभी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर क्या होता था, ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं, साइन थीटा, राइट। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? साइन थीटा, अब देखो इसका वैल्यू जो होगा वो रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, थ्री बाई फोर, तो थ्री बाई फोर आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो थ्री साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा, फोर साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई फोर हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या है, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है ना जी, बाई फोर आ गया। हेलो, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो जो नाइन नंबर कर लेना, और टेन में क्या कर लेना, वन बाई टू रेशियो ले लोगे, तो टेन नंबर को कुछ करना है नहीं, दोनों का रेशियो ले लेना है, वो आ जाएगा टेन थ्री थीटा। तो फॉर्मूला इसको याद रखना। अब देखो इसका यूज कैसे होगा, एग्जांपल देखो ऐसे दिया हुआ रहेगा, एग्जाम्पल साइन में, चलो साइन 20 डिग्री, साइन चलो 80 डिग्री, है ना, इनटू किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ऑर्डर तुमको चेंज कर लेना है उसी पैटर्न में, अगर देखना है कि उस पैटर्न में जा रहा है कि नहीं। 40 डिग्री, और इसका वैल्यू पूछेगा कि क्या, है ना। तो यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये थीटा है, ये देखो 60 प्लस थीटा है, और ये क्या है 60 माइनस थीटा है, ये सुनो समझ में आया। इट मींस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 60 प्लस 20 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 20 डिग्री, समझ में आया। दिस इज इक्वल टू
वन बाई फोर साइन क्या होगा, थ्री इंटू 20 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना है 20 डिग्री है। नहीं समझ में आया? यस सर। इट मींस 1/4 साइन 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा रूट 3 अब बाई 8 हो जाएगा। समझ में आया? हेलो। यस सर। है ना, हो सकता है कि देखो तुमको चेंज करके दे दे क्वेश्चन में, इसी में क्या चेंज कर सकता है कि इसको साइन 40 ना लिख करके लिख दे कॉस 50 डिग्री, है ना, तो इसको फिर से चेंज कर लेना उस पैटर्न में, देखना कि ले जा सकता है कि नहीं। आई बात समझ में? मींस क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर दे, यहीं पे लिख दे रहा हूँ ताकि वो चेंजेस पता हो। 20 डिग्री इनटू साइन 80 डिग्री इनटू साइन यहाँ पे कर दे, सॉरी कॉस 50 डिग्री। क्वेश्चन तो सेम ही है, सिर्फ क्या किया है कुछ उसमें चेंजेस कर दिए हैं वो डाइवर्ट करने के लिए। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। कुछ बोलते नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोलो। किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं, अच्छा एक एग्जांपल और। उस तरह से होता है, सोचना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला यूज हो रहा है कि नहीं, कुछ चेंजेज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कल जो क्वेश्चन पूछी थी उसमें साइन 90 डिग्री एडिशनल उसमें क्या करना पड़ा, 2 को हटाने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा था, है ना, cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 3/16। हालांकि नहीं दे सकते थे, पूछ सकते थे कि वैल्यू क्या आएगा, बट यहाँ पे दे दिए, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3/16। आएगा कि नहीं जल्दी से बताओ। सिक्सटी के वॉट में सोचना है, 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, अगर नहीं रहेगा तो बेसिक मैनिपुलेशन भी चलेगा। यस सर। आ गया ना, देखो अगर इसमें ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो 60 माइनस 10 इसको लिख सकते हैं, इसको 60 प्लस 10 लिख सकते हैं, है ना, और ये देखो अगर नहीं रहता तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई करना पड़ता अलग से, तो इट मीन्स ये तीनों टर्म को साथ में रखेंगे, cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अच्छा cos 30 डिग्री तो मेरे ख्याल से रूट होना चाहिए, नहीं है? अच्छा नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये सही है, मिस्टेक, ओके। हाँ तो ध्यान दो, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 cos, देखो थीटा इज इक्वल टू कितना है 10 डिग्री, राइट, सो 3 इंटू 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो लिखेंगे cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 रूट 3/2 इंटू रूट 3/2, this will be equal to 3/16, yahi na, samajh mein aaya? Hello, theek hai, kisi ko koi problem, bolo, ye tan ke form mein bhi ho sakta hai, to example wo dekh lena, are puchna hai kisi ko kuch? No sir. Ha, iske baad dekho, kaun sa number bataya tha, 7, 8, 10 तक आए,
ठीक है, 11 नंबर। अब इसमें क्या है कि साइन जैसे 18 डिग्री का पूछा जाएगा कि क्या होगा, ये भी याद रखना है ना। साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 होता है। इसके बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, कॉस 18 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। देखो कॉस 18 डिग्री पॉजिटिव में ही होगा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस 36 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री है ना, समझ में आ रहा है। ये किस फॉर्मूला पे है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। तो देखो ये इवन साइन क्या कर सकते हैं 54 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा कॉस 36 डिग्री, यस और नो, साइन 54 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36, दिस इज इक्वल टू कॉस 36 डिग्री आ जाएगा, यस और नो, समझ में आ रहा। तो हम लोग को मेन है कि क्या करना है, ये सब तो चलो ये कॉस 36 डिग्री है, अब है कि हम लोग को क्या करना है साइन 18 डिग्री का वैल्यू इवेल्युएट करना है। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, अब इसका वैल्यू कैसे करेंगे, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, यस और नो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, 5 इंटू क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ भी 5 इंटू 18 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या करेंगे 5 थीटा को 2 थीटा और प्लस 3 थीटा में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, अब इसी को लिख लेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा कर सकते हो या 90 माइनस 2 थीटा कर सकते हो। अब क्या करेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा है ना। अब ध्यान देना साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा कॉस 3 थीटा, आई बात समझ में। तो क्या करना है यहां से इसको ब्रेक कर लेना है, क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो एक तरफ लेकर के चले जाएंगे है ना, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक तरफ लेकर के जाएंगे तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखो कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को बाहर कर लें, कॉस थीटा बाहर आ गया, ये बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, अब क्या होगा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है दिस विल बी इक्वल टू 0। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और क्या हो सकता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3
माइनस टू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये कॉस थीटा जीरो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग थीटा को कितना माने हैं, इट मीन्स 90 डिग्री है ना जी, यहाँ 90 डिग्री है ये। हम लोग थीटा को एज्यूम करके चल रहे हैं कि कितना है, 18 डिग्री है ना। देखो तो 90 डिग्री तो हो नहीं सकता, तो वो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स पॉसिबल क्या होगा कि ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नाउ 4 cos square theta minus 3 minus 2 sin theta, this will be equal to 0. तो देखो ये cos square theta के terms में है, ये sin theta है। तो quadratic बनाने के लिए क्या करेंगे, cos square theta को 1 minus sin square theta लिख लेंगे। तो sin theta के terms में क्या आ जाएगा, quadratic आ जाएगा। तो देखो 4 into 1 minus sin square theta, ठीक है, minus 3 माइनस टू साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपलीफाई करते, ठीक है। तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये देखो ये प्लस में चल जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा, और ये देखो प्लस में आ रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, है ना। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लो, है ना। तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू श्रीधराचार्य रूल यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 अब आई 2 इंटू 4, राइट। हेलो, समझ में आ रहा है जी। सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, देखो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 हो जाएगा। अब देखो रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं ना जी, यस और नो। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8। अब 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 अब बाई क्या हो जाएगा, 4। तो देखो एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है, है ना। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 2 आ रहा है, एक और माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4, और एक बार आ रहा है प्लस वाला, ये नेगेटिव लिए है, प्लस वाले लोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4 आएगा। अब देखो थीटा का जो वैल्यू था वो 18 डिग्री है ना, तो साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। इट मीन्स, समझ में आ रहा है या नहीं, बस बोलते जा रहा हूँ, ये हो नहीं सकता। इट मीन साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो रूट 5, इसी को चेंज करके लिख लो, रूट 5 माइनस 1 बाई 4। ये एक बार खुद से प्रूफ करके देख लेना, समझ में आया। हेलो, सिर्फ प्रोसेस देखना है, बाकी क्या हुआ है वो अपने से खुद से करना है, है ना। याद नहीं करना है यहाँ पे स्टेप क्या कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान में रखना है। बाद में खुद से दो बार इसको बना लेना, किसी भी को डिराइव कर रहे हैं तो एक बार जाओ, बाद में क्या क्या बताए हैं वो देखना है कि दिस इज इक्वल टू इतना आ रहा है, तो वो खुद से बनाना है तभी सीखोगे। ऐसे देखने हर एक स्टेप देखोगे वो क्या हो जाएगा, एकदम एक सर्टेन स्टेज पे जाकर के माइंड एकदम स्टक कर जाएगा, है ना। तो वो तुमको कॉन्सेप्ट देखना कि क्या किया जा रहा है वो ध्यान में रखना, बस वो खुद से दो तीन बार करोगे तो वो आइडिया मिल जाएगा, इसमें ऐसे ही वर्कआउट होगा। वो एकदम फिक्स स्टेप है, दो तीन स्टेप चलोगे तो दिख जाएगा कि अच्छा ये इस तरह से करना है। तो हमेशा एक दो स्टेप ही देखा करो इतने स्टेप में, और खुद से प्रैक्टिस किया करो जा करके, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू आ गया, ये याद रखना है,
साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4. देखो इसके हेल्प से हम लोग कॉस 18 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं, है ना. साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, कॉस 36 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, साइन 54 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, कॉस 54 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. ये सब फाइंड कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना यूजिंग फार्मूला. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो देखो अब ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. क्या बताए थे? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. हो सकता है इस फॉर्मूला को भी साइन स्क्वायर बी, तो इसका भी यूज होगा. एक प्रॉब्लम देते हैं, ट्राई करो, है ना. ट्राई करोगे? चलो एग्जांपल. साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, दिस विल बी रूट 5 माइनस 1 बाई 8. देखो तो हो रहा है, ट्राई करके देखो. हो पाएगा? यस सर. बन गया ना? यस सर. हाँ देखो ये फॉर्मूला का कैसे यूज किया गया है, ये फॉर्मूला और साथ में वो साइन 18 डिग्री का वैल्यू. क्या लिखोगे? जस्ट इसके रिवर्स में जाना है. तो साइन 24 प्लस क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइन 24 माइनस 6, दिस विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री. तो 1 बाई 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा? 4. तो दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है. अब देखो कुछ होमवर्क में लिख लेते हैं इसी में. साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, है ना. 1 सेकेंड में साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 1/16. हो सकता है कि बेसिक मैनिपुलेशन करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े सेम टर्म से, ठीक है. ओके इसके बाद कोई दिक्कत नहीं ना. टैन 6 डिग्री, टैन 42 डिग्री, टैन 66 डिग्री इंटू टैन 78 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है. tan 20 degree into tan 80 degree is equal to root 5 tan 50 degree. Fifth number. Sin 55 degree minus sin 19 degree. हो सकता है कोई भी formula यूज हो, mix type का है. 53 degree minus sin 17 degree is equal to cos 1 degree, ठीक है. cos 2 pi by 7 degree, cos 4 pi by 7 degree,
cos 6 pi by 7 degree है ना, 2 pi 4 pi 6 pi 1 by 8। देखो अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो बताया जाएगा। ओके देन इसके बाद होमवर्क लिख लो। इसमें किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो बताएं उसमें? नो सर। नहीं, होमवर्क में लिख लो बुकलेट से, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में मल्टीपल एंगल्स का तो दे दिए हैं ऑलमोस्ट डिस्टेंस, फिर भी ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास कब है? सर इसमें 50 से 58 तक दिए थे। अच्छा कर चुके हैं? नहीं हाँ, तो 59 वाले में 59 से आगे तो प्रॉब्लम होगा बनाने में, अभी रहने दो आगे से दे देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे तब बनेगा। एक्सरसाइज 2 में कहाँ तक दिया था? ट्वेंटी टू तक, मल्टीपल एंगल्स में 23। ठीक है, कुछ ज्यादा बना नहीं सकते। आप एक्सरसाइज 3 लिख लो। एक्सरसाइज 3 1 2। एक्सरसाइज 3 से नहीं ना दिया हूँ अभी तक? नो सर। नाइनटीन है ना, 1 to 19। फिर इसके बाद 32, 33, 36, 38, 37 भी ट्राई करना बना तो ठीक है, 41 तो दे दिया क्लास में करवा दूँ, 42, 43, 44, 44 2 लिख लेना, 60 तक इतना ट्राई कर करना। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है सर। हाँ सर, एक्सरसाइज 1 का एक क्वेश्चन। हाँ बोलो, कौन सा नंबर? एक्सरसाइज 1 का 34। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 34। ओके 34 में क्या था? हाँ बोलो बोलो, कुछ मिस्टेक है, एक मिनट देख लो, उसमें करेक्शन नहीं हुआ। 34 में कुछ तो मिस्टेक है शायद। 35 भी सेम ही,
हाँ 34 और 35 tan theta is equal to x sin phi 1 minus x cos phi tan theta is equal to x sin phi नहीं 34 और 35 ये हटा देना ठीक ना. हेलो यस सर. हाँ कुछ वो मिसप्रिंट है वो दोनों हटा देना. उसके बाद कोई दिक्कत है? बोलो कुछ पूछना नहीं ना है. No, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. बाय बाय. गुड नाइट.